बैक टू द चैनल। सो आज दा व्लॉग होने वाला है बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ ते। आज दे व्लॉग च आपां कवर करांगे एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन जो कि हैगा हुसैनीवाला दा। काफ़ी लोगों नूं इत्थे तां नहीं पता, बट ये फिरोजपुर जिले दे विच हुसैनीवाला बॉर्डर आ। उत्थे सब तो पहला रेल अमी सब तो पहला ट्रेन चली सी, इतों पाकिस्तान नू ट्रेन जाती थी, तो सब तो पहली ट्रेन इतों चली सी, मतलब इंडिया टू पाकिस्तान की। सो इतें हले भी वो स्टेशन प्रॉपर इन्होंने संभाल के रखे, इंडिया वाला पासा संभालिया होया, बट वो जो रेलवे ट्रैक आ वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो थानू वो दिखावांगे हुण रेलवे ट्रैक, तो यही वो जगह आ जिते सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की समाध आ, जिते उन्होंने डेड बॉडीज आई हैं, इतने उन्होंने संस्कार होया बकायदा उन्होंने समाध है इतने। तो सब तो पहला दिखावे थानू वो जगह जिते उन्होंने संस्कार होया उन्होंने समाध आ। उस तो बाद दिखावे हुसैनीवाला बॉर्डर तो रेलवे स्टेशन। एक छोटी जी रिक्वेस्ट आ, इस व्लॉग का एक भी सैकेंड स्किप ना करो, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्मेशन आ अपने इतिहास बारे, सो जो कि थोड़े वास्ते काफ़ी यूजफुल होगी। सो प्लीज़ स्किप ना करो कोई भी पार्ट, एंड तक देखियो। हुसैनीवाला बॉर्डर फिरोजपुर सिटी तो लगभग 10 किलोमीटर दूर आ। काफ़ी वधिया रोड्स आ, रोड्स का कोई इशू नहीं आ, हाईवे आ प्रॉपर, उदा उदा वेजिटेशन चेंज होती जाती है। इधर मोस्टली किकर ज़्यादा देखने को मिलेगियाँ, घर काफ़ी दूर दूर तक आ, मतलब काफ़ी टावा टावा घर देखता है, दूर दूर घर काफ़ी दूर दूर आ, तो बहुत ही टावा टावा बिरला बिरला जो कोई घर आ, जोड़े है मोस्टली वो कच्चे घर ज़्यादा है, क्योंकि जो भी इतने बॉडर से थोड़े भी डिफरेंसिज वे तो सब तो पहला बॉडर वाले घर खाली करवाए जाते हैं। आ देख सकते हैं इतने कच्चे घर ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया उदो फिर भी उदो बिल्कुल भी इतने पक्के घर नहीं ऐतक, फिर भी थोड़े सीमेंटेड घर देखने मिलते पे। यू कैन सी टोटली मड हाउस आ। हुण बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक आ गए आप, तो इतों बाद जंगल शुरू हो जाता बॉर्डर के। आप काफ़ी नज़दीक आ, यह है सतलुज दरिया, और जोड़ा सामने तुम देख रहे हो वह पुराना ब्रिज आ जो कि डिस्ट्रॉय करता आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने। लैफ्ट साइड तो पाकिस्तान जो कि इन्होंने इदा शीट्स लाई, आप देख नहीं सकते। दरिया का हुण पानी बंद किया हो, पिछे हैगा आ, बट उन्होंने पिछे इंडिया ने डिवर्ट करके इंडिया वालों ही रुख करता दरिया का। आप बंकरस हाले भी तुम देख सकते हैं एज इट इज़ ही आ। गेट तो एंटर करते राइट साइड पर हैगा वो स्टेशन, उस समय का स्टेशन हुसैनीवाला था जो इन्होंने हाले भी प्रिजर्व करके रखा है। तो सामने हैगा अखंड ज्योति, तो लैफ्ट साइड हैगा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का स्टैचू। जे थोड़ा एक्चुअल च इंट्रस्ट हैगा हिस्टरी से इतिहास से, इस जगह से आके थोड़े रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो एक्चुअली मेरे इस वेले रोंगटे खड़े है, मतलब इदा की जगह है। जो देश भगती की फील इत्थे आके फील कर सकते हैं, वो अपन कर कराची बह के नहीं फील होंगी। मतलब आम अमीर मैं वीडियो बनान लगे आ, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, मतलब इस जगह की वाइब एक अलग ही वाइब आ, जो मतलब दसनी मुश्किल आ। तुसी इत्थे आओ, विजिट करो ये प्लेस, तां थानू फील होगा कि ये वो जगह है जिथे इन्हां दी डेड बॉडीज आई सी। मतलब तुसी इमेजिन करके रूह रूह कंब जाती है कि वह की माहौल होगा उस वेले, कि जो इन्हों की डेड बॉडीज आई हो कि सुनहरी की होगा उस वेले का, कि जो इन का संस्कार किया गया, जो बैटल हुई इतने, क्योंकि इतने दो चीज़ा हुसैनीवाला दो चीज़ा फेमस आ। एक तो हैगा इतने रेलवे लाइन जो कि
इंडो पाक वॉर हुई जी 1971 के डिस्ट्रॉय किया गया। तो दूजा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की इतने डेड बॉडी आई सी, उन्होंने इतने समाध आ, दोनों चीज़ा करके फेमस आ। बट इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं क्योंकि यह हैगा फिरोजपुर जिला, तो इतने होर कुछ देखने नहीं हैगा, इस करके ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं गा। तो बॉर्डर देखने जाते हैं क्योंकि उत्थे दरबार साहब हैगा, होर नियर बाय प्लेसिस है, बट इतने इन्ना टूरिस्ट नहीं आता, इस करके थोड़ी जी ऑफ बीट करके आ। एक तो ऑफ द ट्रैक आ, थोड़ी दूर पैंदा है ता करके नहीं आते, तो बट इतने आके देखना चाहिए फील, और नैशनैलिटी वाली फील, मतलब देशभगती की फील इतने आके बहुत जबरदस्त फील होती है। गर्मी बहुत आ बट इस जगह अपनी ठंडक आ। इधर सारा जंगल आ, इतों अगे पाकिस्तान आ, पाकिस्तान का कसूर शहर लगता इतों बाद 10 किलोमीटर बाद कसूर शहर आ। थानू थोड़ा थोड़ा दिखाना जंगल इत, ये वाले पेड़ों तो बाद सारा पाकिस्तान आ। आफ्टर दीज ट्रीज हम थानू दिखाने अखंड ज्योति, जिन्हें भी मार्टियर्स की जगह होंगी आ, फ्रीडम फाइटर की डेथ होंगी है ना, उत्थे एक जिन्हें भी जिदा अपने सोल्जर्स जो शहीद होंगे, तुम न्यू दिल्ली इंडिया गेट के सामने देखा होगा अखंड ज्योति आ, इतने भी सेम उदा ही अखंड ज्योति, थानू उन्हां दे दर्शन करवाने। इनकलाब जिंदाबाद, इतने सारी हिस्टरी लिखी है कि किदा भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव नू एक्चुअल च 24 तरीक नू फांसी देनी सी, ते एक दिन पहला यानी कि 23 मार्च नू 7 बजे फांसी दे के इतने लागे दरिया आ, इतने इन्हों की डेड बॉडीज नू सिट गए थे। एक मिनट इतों पढ़ दो माड़ा जा, 1931 नू शाम नहीं फांसी का टाइम सी 24 नू, ते जबकि एक दिन पहला ही सेंट्रल जेल लाहौर 23 मार्च 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:15 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ 19 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੁਸੈਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ। और देखो सामने ऊपर भी वह गोलियां दे निशान आ सारे। इतने जिहड़ी ट्रेन का एक डमी मॉडल ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨੇਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1943 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੇ ਲਈ ਮਨਵਾਤੇ ਹੋਏ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਸੋਚਾ ਹੋਗਾ कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बिछाई जा रही ये पटरियां एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेंगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेलवे धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी।
की सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ वी मौर्य कुशान के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमी आई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाली अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठी चार्ज की घटना से जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बना जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी हैं जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम, और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक बेहतरीन खुशबू, जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं, वो यहीं से चली है। मशहूर पीर बुल्ले शाह और बाबा फरीद चिश्ती का शहर है। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहां आए थे, और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यही बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री मालजी साहब। रोशनी डालने को इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। अब जब आप यहां से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं, और यह है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद हुआ। यहां की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहां बनी समाधि अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराती है। और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई हुई थी। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी छेड़ा है। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौजी सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से, बताओ गांधा सिंह वाला रोशन है। बात जब सन 65 की होगी, बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया, पर 1961 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला लिया था। आप अब ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं, वो आपको बता दें इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है, 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं, और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहां पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहां की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। हरी
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਾਰ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਸੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਸਤਲੁਜ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਨਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਮੀ ਇੰਜਨ ਆ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਹ ਫੈਂਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦੀਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਐਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇ ਬੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਪਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਟਰੀ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਊਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਵਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵਲੋਗ